अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोज़ आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और अभी हम पढ़ेंगे नमाज़। आज थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को, तो अप्पी अभी नहा रही, मैं नहा के निकली हूँ। अप्पी जब नहा के निकलेगी देन हम नमाज़ पढ़ेंगे। बेडशीट वगैरह चेंज हो चुका है और बहुत प्यारा सा ये लग रहा है। और मैं अपना रूम दिखाती हूँ, एंड इस रूम का भी मैंने चेंज कर दिया है। और अभी हम नहा के मैं निकली हूँ, अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे, देन मैं आपसे मिलती हूँ। रात में तो बहुत सारी डिशेस बन गई थी, अप्पी ने बना के रखा है छोला। अभी मैं सुखा रही हूँ अपने नेल पेंट्स, और वहाँ पे हिफ्ज़ा भी अपना नेल पेंट सुखा रही हैं, अलीना भी अपना नेल पेंट सुखा रही हैं। हम लोगों की नमाज़ हो गई। वंस अगेन ईद मुबारक आप सबको। लेट मी शो यू समथिंग यहाँ पे। आ जाएँ जल्दी जल्दी खा लें। यम, अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, ब्रश करके अब मैं खाऊंगी। सबसे पहले स्किन केयर टाइम, तो अभी हम ट्राई करेंगे ये पपाया का। वेट, ये पपाया का ग्लो फेस मास्क, और एक है यहाँ पे पपाया का ब्राइटनिंग फेस वॉश। लेट्स ट्राई। अभी आ गए गेस्ट, तो मैं जा रही हूँ उसे निकालने। गाइस, अब हम होंगे रेडी। 12:30 हो रहा है अभी। अप्पी को सबसे पहले करूँगी मैं रेडी, उसके बाद काला नहा रही हूँ, आएंगे उनको मैं करूँगी रेडी, उसके बाद मैं होंगी। मैंने लेंस लगा लिया है, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है रेडी होने का। OMG, फिर भी होंगे, आज बहुत मस्ती करनी है। मेरी मेहंदी देखें, पीछे मैंने कुछ कलाकारी कर लिया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली दे रही हूँ आप लोग को फ्लैशबैक। फ्लैशबैक किस चीज़ का? तो वो मैं अपना ड्रेस जो मैंने रेडी कर लिया था पहले ही, उसका मैंने कुछ कुछ क्लिप कैप्चर किया था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ड्रेस रिवील करने से पहले। तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, इसीलिए मैंने रमज़ान से पहले ही अपना ड्रेस रेडी कर लिया था। यहाँ मैं होने लगी थी रेडी, और बार बार में कोई आ रहा था जा रहा था, इसका तो आप जानते ही हैं। आगे आप लोगों को ये डिटेलिंग देखने वाली ड्रेस की। ड्रेस मैंने खुद से इसलिए रेडी किया था क्योंकि मुझे एग्जैक्टली जैसा मैं सोचती हूँ कि मुझे वैसा ड्रेस चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए होता है। मैं बहुत चूजी टाइप की लड़की हूँ, और क्या बोलूँ मैं, बस शरारत में मैंने थोड़ा ज़्यादा मेरे प्रेस किया था, और दुपट्टा भी ज़्यादा, और वो कुर्ता जो ऊपर था वो बहुत ही सिंपल मैंने रखा था। जा रहे हैं घूमने, और यहाँ रास्ते में मेरा गिर गया इयर रिंग, मैं अलीना उसे पहना रही हूँ। हाय, मेरा पिंपल भी हाय कर रहा है। तो गाइस, जोया आ चुकी हैं। वेर इज जोया? जोया कहाँ हो? हाय, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सबको भी सबको ढेर सारी ईद मुबारक। और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, चलो खाना खाने। हम जाएंगे ऊपर रील्स बनाने, और यहाँ पे मैम का व्लॉग स्टार्ट है। तो यहाँ पे जो है, हम जैसे ही निकले थे अप्पी के एक फ्रेंड के घर हम गए थे, और जैसे ही गए वहाँ पे कॉल आया कि घर पे गेस्ट आए हैं। माशाल्लाह से इस बार का ईद बहुत बहुत अच्छा गया, और फिर वहाँ से हम जल्दी जल्दी घर पे आने लगे। तो फिर अलीना ने ये क्लिप्स ले लिया, सोचा मैंने अच्छे से कुछ कुछ व्लॉग में डालने के लिए कुछ ढंग का ले लूँ। तो फिर जैसे ही मैं घर आई, आप देख सकते हैं अब आगे देखेंगे कि घर में गेस्ट आए हुए थे। फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, मज़ा आया। इस बार का ईद माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा गया। और फिर यहाँ पे अलीना भी सेवे गई थी, और यहाँ पे
रात हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ईद के शाम में बहुत ज़्यादा ख़राब फील होता है, लाइक रमज़ान चला गया, मेरा तो मूड हमेशा ही ऑफ रहता है, जैसा आप कैमरा पे देख रहे हैं उससे भी थोड़ा ख़राब ही रहता है। मैं सोचने लगी थी कि अरे रमज़ान चला गया, ये वो दिस डैट, अब फिर से वही ज़िंदगी फिर से। और यहाँ पे मैं अपने इयररिंग्स वगैरह उतारने लगी थी। दूसरे दिन का प्लान था हाँ हम लोगों का नानी के घर जाने का और मेरे लाइक अम्मी के पास जाने का बहुत जगह, बट हम थर्ड ईद को गए थे, थर्ड ईद को हम निकल गए थे, सेकेंड ईद का रिस्पॉन्ड हो गया था, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। थर्ड ईद को हम जा रहे हैं, सबसे पहले हम गए अपने लाइक मुमानी के घर, सबसे पहले मुमानी घर गए, उसके बाद नानी के घर गए, उसके बाद हम लोग अम्मी के पास गए। और हम लोग मुमानी के घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे है मेरा छोटू सा कज़न, सब बहुत प्यारा है, अभी हम लोग का सबसे छोटा कज़न वही है माशाल्लाह, और वो तो बिल्कुल लाइक हम लोग को पहचान ही नहीं रहा था। फिर थोड़े देर में वो सो गया और फिर हमने लंच किया वहाँ पे, एंड आप देख ही सकते हैं हमने लाइक इस बार ईद बहुत मज़ा आया गाइस इस बार ईद में। और आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें चैनल और लाइक कर दें, सबके साथ शेयर कर दें। यहाँ पे बाबू मेरा फिंगर लाइक अपने मुंह में डालने लगा था तो मैंने ज़बरदस्ती जल्दी से खिंचा, रहे बाबू मेरे नेल्स तुम्हें लग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग नानू के घर चले गए थे और यहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट आ रही थी तो वहाँ पे मैंने सोचा कुछ क्लिप्स कैप्चर कर लूँ रील्स के लिए, बट मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया। और बहुत सारी मैं छोटी छोटी क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर करने के लिए लेती रही, मैं ऐड करती गई करती गई। मेरे नानू के घर बहुत सारे पिजेंस हैं लाइक कबूतर हैं, तो वो सभी मैंने लिया, अभी वो सब इधर उधर बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो इन लोगों का ये घर है, बस यही था गाइस आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल लाइक दिस, बाय बाय, टेक केयर।